ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। जन भागीदारी से जन आंदोलन श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए ई रूपी से सुगम होती डिजिटल सुविधाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान की एक विशेष व्यवस्था ई रूपी की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से यूपीआई प्लेटफॉर्म पर इस ई रूपी व्यवस्था को विकसित किया है। इसका उद्देश्य है कि लाभार्थी को योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से मिले, साथ ही इस माध्यम से जिस उद्देश्य के साथ लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति हो, जिससे और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। तो मिस्टर भट्टाचार्य, जैसा कि हमने देखा, इसके बारे में हमने पढ़ा भी कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि एसएमएस में ई वाउचर के माध्यम से डिजिटल क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान हो सकेगा और बिना किसी कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए एक डिजिटल भुगतान की एक नई व्यवस्था अब मिल रही है। और बीते वर्षों में हमने देखा जिस तरह से सरकार द्वारा यूपीआई की एक व्यवस्था लाई गई थी और डिजिटल भुगतान में, डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक नई क्रांति की तरह इस व्यवस्था ने काम किया था। तो आपकी नजर में जो ये ई रूपी की व्यवस्था है, ये डिजिटल भुगतान के मामले में किस तरह से नई संभावनाओं को खोलती है? नई संभावनाएं आएंगी दो तरह से। हम कहते हैं कि डिजिटल इंक्लूजन, अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें तो हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इंटरनेट के साथ उनका साक्षात नहीं हुआ। अभी ई रूपी का जो नया जो एक प्रबंध किया गया है, इसमें डिजिटल इंक्लूजन में बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है। अगर आपके पास एक साधारण सा मोबाइल फोन होगा, उसमें अगर आपको एक एसएमएस का स्ट्रिंग आ जाएगा या क्यूआर कोड आ जाएगा आपके पास, तो उसी से उसको आप एक वाउचर मान सकते हैं। वाउचर मान के आप उसके जरिए आपके पेमेंट आप ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन की जरूरत होती है, इस वक्त ई रूपी स्कीम में आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ एक एसएमएस मिल जाएगा, एसएमएस को ही एक वाउचर को मान लिया जाएगा और आपकी जो पेमेंट जो है वो आप उस वाउचर के माध्यम आपको पेमेंट मिल जाएगा। और दूसरा आयाम ये है कि जो पिछले 2013 से अगर हम देखें तो हमारे देश में एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम आई है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में क्या होता है कि जो लाभार्थी जो होता है उसको पेमेंट, कोई सब्सिडी पेमेंट हो या कोई इंश्योरेंस का कोई क्लेम पेमेंट हो या कोई सब्सिडी या जो प्रोक्योरमेंट प्राइस का जो पेमेंट हो, वो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किया जा रहा है। अगर आप पिछले साल देखें तो करीबन 5.5 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया था विभिन्न लोगों की तरफ। करीबन 315 ऐसे स्कीम थे जिसमें से ये पैसा बांटा गया था। करीबन 600 करोड़ जैसे ट्रांजैक्शन भी हुए थे। तो सारे ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है कि ये एक इंटरनेट और एक ऐप होने की या नेट बैंकिंग रखने की सुविधा की जरूरत होती है। ई रूपी में क्या होगा कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को एक बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा, एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, क्योंकि लाभार्थियों को ये नहीं जरूरी कि उनका एक ऐप हो उनके फोन में या उनके पास कोई इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा हो, बस उनके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए जो एसएमएस को रिसीव कर सकता है या एक क्यूआर कोड को रिसीव कर सकता है और उसी क्यूआर कोड से वो जो एलपीजी की जो एक सब्सिडी उनको मिलना है उसको वाउचर से उनका बैंक में वो पैसा ट्रांसफर हो सकता है। और ये मैं ये समझता हूँ कि दोनों तरफ से एक डिजिटल इंक्लूजन और दूसरा ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो काफी हद तक बढ़ गया, जैसे मैंने कहा कि 600 करोड़ की उनकी एक दायरा है, तो और भी इसको बढ़ाने में काफी इसको सहायता करी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में ये कहा भी कि एक लक्षित लाभार्थी के लिए उसे योजनाओं का सही लाभ मिल सके, इस दिशा में डिजिटल ट्रांजैक्शन ने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया है। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई योजनाओं में
सरकार द्वारा संस्थाओं को पैसा भेजा जाता है, लेकिन वो पैसा एक लाभार्थी तक सही तरह से पहुंच रहा है या नहीं, जिस उद्देश्य के साथ उस पैसे को भेजा गया है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं, ये वाउचर उसे पूरा करने में मददगार होगा। अब पैसा वाउचर की शक्ल में एक लाभार्थी को मिलेगा और वो लाभार्थी उस वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ उसी योजना के लिए कर पाएगा जिस योजना के लिए वो पैसा भेजा गया है। तो जिस तरह से उद्देश्य परक बनाया गया है इस व्यवस्था को, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अगर आप देखें तो इसमें जो पुराने जो पेमेंट स्कीम या सब्सिडी या सरकार के विभिन्न सहायता के जो योजनाएं जो थी उसमें जिसे हम कहते हैं कि लीकेज मतलब बहुत ज्यादा, अगर आप 100 रुपए, बहुत लोगों का मानना था कि पुराने जमाने में जब अगर सरकार 100 रुपए लाभार्थी को दे रही है तो असलियत में सिर्फ 15 पैसे 100 रुपए में से 15 रुपए लाभार्थी को जाते थे, 85 रुपए विभिन्न इंटरमीडिएटरीज बोलिए या लीकेज में बोलिए या सरकारी ब्यूरोक्रेसी में कॉस्ट में वो अटक जाता था। पर ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होता है कि इसमें कोई बाधा नहीं आती, ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। पर ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा था उसमें एक असुविधा है, ये कि जो लाभार्थी और बैंक अकाउंट के साथ जो एक संपर्क जो था वो संपर्क होना जरूरी था कि आपकी बैंक अकाउंट हो, उसी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो ये जो एक पाबंदी आप कह सकते हैं, ये पाबंदी जो थी, अब ये ई रूपी स्कीम में ये पाबंदी हट गई है। ये पैसा न आपके बैंक अकाउंट में आकर आपके पास ही एक वाउचर पहुंच जा सकेगा और वो वाउचर का आप एक ट्रांजैक्शन करने के लिए आप उससे कर सकते हैं उसको। अगर आप मान लीजिए उसको आप बैंक के पास जाते हैं या उस किसी का ट्रांसफर करते हैं उस वाउचर को, वाउचर का एक आर्थिक मूल्य हो जाएगा क्योंकि उस वाउचर में वैल्यू रहेगा। और वो वाउचर कैसे आएगा आपके पास, वो एक QR कोड से आएगा या SMS स्ट्रिंग से आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले का जो ये खेद था लोगों में कि भाई पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे बैंक में चला जा रहा है और मैं बैंक से कैसे लाऊं, क्या करूं, अब वो खेद नहीं रहेगा। अब उनके पास आपके मोबाइल में SMS की स्ट्रिंग से जरूर वो वाउचर आपके पास रहेगा। आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, ये पूरी तरह से आपके मोबाइल से आप इस्तेमाल करेंगे, इससे मैं समझ। और ये जो मोबाइल जो फोन होगा ये आपका स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है, नॉर्मल फीचर्स वाला फोन होता है, फीचर फोन जिसे कहते हैं, उससे भी आप काम चला सकते हैं। जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई बैंक के साथ कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपका ही पैसा बैंक में डायरेक्टली नहीं चला जा रहा है, पर वो आपका जो पैसा वाउचर के रूप में आपके पास आ रहा है और उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसमें आपको एक थोड़ी बहुत आजादी भी दी जा रही है। और मैं समझता हूं कि अगले कई सालों में अगर ये वाउचर स्कीम अगर जनप्रिय हो जाए, वाउचर का भी एक मार्केट बन सकता है कि आपके पास अगर 100 रुपए का वाउचर आया है, उस 100 रुपए का वाउचर आप किसी को दे सकते हैं और वो ट्रांसफरेबल बना दिया जा सकता है, जिससे कि आपके पास जो 100 रुपए का वाउचर आया है आपने एक अगले इंसान को वो वाउचर पैसे के बदले में वो वाउचर दिया, क्योंकि वो वाउचर ट्रांसफरेबल भी बन सकता है, अभी तक नहीं बना है। तो इसके बहुत सारे इसके जो पॉसिबिलिटीज जो हैं ये बहुत ज्यादा हैं और ये एक वाउचर का एक ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट जैसे होता है वो भी बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जितनी भी सरकार की सब्सिडी स्कीम्स हैं उनमें इस ई रूपे का इस्तेमाल किया जाएगा और शुरुआत में स्वास्थ्य क्षेत्र में तो इसका बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाला है, ऐसा संकेत प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दिया भी। तो आपको क्या लगता है, जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसी जो इंश्योरेंस की सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है और इसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी सरकार की जो खादों पर सब्सिडी है या पीएम किसान योजना जैसी बड़ी स्कीम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, तो इन योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए किस तरह ये एक भविष्य के लिए हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था आ गई है? अगर आप कृषि क्षेत्र में देखें तो कृषि क्षेत्र में काफी योजनाएं हैं। कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी योजना है जिससे कि सरकार बहुत सहायता करती है कृषकों को, वो एक्सटेंशन स्कीम होती है। तो शिक्षा देखिए, जो पीने का पानी जो होता है उसके काफी स्कीम्स हैं, फिशरीज की जो एक स्कीम है बहुत बड़ी, एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसकी जो ट्रांसफर जो होती है। इस वक्त क्या हो रहा है कि वो जो पैसा जो आ रहा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बैंक में जा रहा है, मोबाइल में भी उसका वो वाउचर आ जाएगा। सुविधा जो होगी
ये एजुकेशन में बोलिए, फिशरीज में बोलिए, हेल्थ में बोलिए, उनके लिए बहुत बड़ा एक सुविधा सहायता बन सकता है। मिस्टर भट्टाचार्य, आपने ई रूपी जो डिजिटल ट्रांजेक्शन की एक नई व्यवस्था है, इस पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे और कार्यक्रम में आप शामिल हुए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे ई रूपी से सुगम होती डिजिटल सुविधाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।